सब सीढ़ी पे चढ़ते हुए आ रहे हैं, सभी वीडियो देखने के चक्कर में। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड, आप हमारे चैनल पर न्यू तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे वीडियो कल लॉन्ग नहीं आया था, क्योंकि मेरा लॉन्ग वीडियो इसीलिए नहीं आया था कि आज मैं अपने मामा के घर पर आई हूँ। और कल 60 वीडियो देखे होंगे आप लोग, खम्भ गड़ रहा था, तो ये रहा इधर खम्भ, देखिए ऊपर से दिखा रहे हैं आपको, ये ऊपर से खम्भ, नीचे तक यहाँ पे खम गड़ा हुआ है। इसमें आप लोग जानते होंगे क्या क्या है, इसमें है जैसे इसे क्या बोलते हैं, वो खम्भ तो है लेकिन इसे क्या बोलते हैं, सरावन, सरावन। और ये मतलब टटियानामा बांधी जाती है, और जो बांस का हो होता है, पूरा बांस लगा हुआ है ऊपर से, और यहीं पे मतलब सारा कुछ होगा। फ्रेंड, जो कुछ भी होगा आप लोगों को मैं दिखाती जाऊंगी, यहाँ पे क्या क्या होगा, कैसे मतलब शादी हमारे यहाँ मनाई जाती है, कैसे नहीं मनाई जाती है, आप लोगों को सारा कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड, अभी मैं छत पे जाके अपने मामा के गांव का सारा नज़ारा दिखाती हूँ, कैसा हमारे मामा का मतलब, ये तो हमारा मामा का घर है, देखिए फ्रेंड, नया बना हुआ है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा बना हुआ है। और अभी मैं ये इधर सीढ़ी लगी हुई पीछे, इसी सीढ़ी से ऊपर जाएंगे फ्रेंड, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। अभी मैं बोल दो इधर आ जाओ, क्योंकि देखिए इसे बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है फ्रेंड, इधर बोल दो, हाय कर लो। ये मतलब हमारे मामा के परिवार की लड़की है, बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, हम वीडियो बना रहे थे तभी आ गई, सोच रही होगी दीदी क्या कर रही हैं, तो फ्रेंड इन्हें पता नहीं मैं वीडियो बना रही थी, तभी बहुत ज़्यादा शर्म लग रही है। और ये इधर मामा का पोता बैठा हुआ है हमारे, और देखिए ये हमारे मामा का पोता है, अभी बताएगा कुछ, बताओ शर्म क्या रहा? नहीं बताएगा, अभी फोन चला रहा, बताओ कहा है तुम्हारे घर पे, कहा है बताओ, क्योंकि घर पे शादी है। ये दोस्तों देखिए रखे हुए हैं, क्या है ये? ये डलवा, डलवा, इसी में पूरी रखी जाएगी, मीठा रखा जाएगा सारा कुछ, डलवा डलैया सब। टेंट का तपला नहीं है, बीना गया है, डलवा है, हाथों से बीना गया, हाथों का कमाल है फ्रेंड ये। और इधर देखिए सभी बैठे हुए हैं, पूरा घर में सभी लोग, मेहमान तो आ ही चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं, हमारे मामा के तीन मकान हैं, तो तीनों मकान पे कुछ लोग यहाँ हैं, कुछ लोग उस मकान पे, कुछ लोग उस मकान पे, तो थोड़े थोड़े करके हर मकान पे सभी लोग हैं, तभी एक पास शाम को इकट्ठा होते हैं। और पीछे आप लोगों को ये तो दिख रहे होंगे, आप लोगों को तो पता है ये कौन, हेलो दोस्तों, इसमें ससुराल में है ये भी, तो मौज मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं फ्रेंड। तो अभी मैं जा रही हूँ छत के ऊपर, अपने मामा के घर के आसपास का नज़ारा दिखाऊंगी कैसा है घर, तो देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, देसी जुगाड़ है सीढ़ी का, क्योंकि ये सीढ़ी लगी हुई है हमारे मामा के, अभी नया बना हुआ है, डर लग रहा है। आराम आराम आए। तो फ्रेंड देखिए ये हमारे मामा के आसपास का नजारा है गांव का, और इधर गेहूं, चढ़ो 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 चढ़ो। तो फ्रेंड देखिए ये सभी चढ़ के आ रहे हैं सीढ़ी से, आ जाओ, सब सीढ़ी पे चढ़ते हुए आ रहे हैं, सभी वीडियो देखने के चक्कर में। आओ आओ आराम आराम, क्योंकि फ्रेंड ये सभी आ रहे हैं वीडियो के चक्कर में ही, आराम 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 आराम। ये सभी आ गए हैं देखिए फ्रेंड, और बहुत अच्छा लग रहा है देखिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है गांव के आसपास, सभी बच्चे, गांव के कितने बच्चे सारे हैं, अच्छा लग रहा है।
सब लोग ऐसे कर दो हाय। ये सभी गांव के बच्चे हैं फ्रेंड। और इधर हमारी भाभी आ चुकी हैं कुछ करने के लिए। वो नीचे भाभी आई हैं डलवा उठाने के लिए, सूख गए हैं तो भाभी डलवा उठाने आ गई हैं। और इधर दादा जा रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये जा रहे हैं दादा, ये दादा जा रहे हैं फ्रेंड। और हमारे गांव मतलब जो उसकी जानवर की लेटरिन होती है मतलब गोबर, उसकी ये बठिया लगी हुई है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे बठिया लगाई जाती है कंडे के ऊपर से लेस दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे मामा का गांव का नज़ारा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, देखिए कैसा है नज़ारा, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड इससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड ये तो शर्म आ रही है, इधर शर्म आ रही है, बोलो कुछ। ये हमारी बुआ जी हैं, बहुत दूर से चलकर आई हैं और इसीलिए कल वीडियो नहीं बना पाई थी और कल हम थक बहुत गए थे इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और फ्रेंड और इनकी बीवी है उस मकान पे हैं, जब जाएंगे तब दिखाएंगे इनकी बीवी को, अभी तो नहीं है यहाँ पे। हालांकि तीन मकान हमारे मामा के हैं, कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहाँ पे हैं, तो सभी लोग एक पास अभी नहीं हैं। कल आप लोगों को देखने को मिलेगा सभी लोग एक पास जब हो जाएंगे। और प्रिंस के पापा भी आ चुके हैं पीछे, वो भी साथ में आ गए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे मामा के यहाँ कितनी मिलिट्री है देखिए, बहुत ज़्यादा मिलिट्री है फ्रेंड। सब लोग डांस करो, छजन जन डांस कर लेते हैं, कूदो देखे कौन डांस कर अरे जा कर दे है बहन, कर दो तुम क्या कि फ्रेंड इन लोगों को शर्म आ रही है तो इसीलिए डांस नहीं कर रही है। और इधर आप लोगों को दूर दिख रहा होगा भूसा, कुछ लोग भूसा बांध रहे हैं काफी दूर में है, लेकिन फ्रेंड साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फ्रेंड जो कुछ भी होगा अभी तो मतलब शादी की तैयारी चल रही है, अभी हम लोग गए थे सारा सामान खरीद के आए हुए हैं फ्रेंड, बहुत देर हो गई है, शाम भी होने वाली है, सूरज भी अस्त हो गए हैं, देखिए फ्रेंड सूरज अस्त हो चुके हैं। तो फ्रेंड ये है वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर फ्रेंड इससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड अगर नए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं ये भी कमेंट कर देना फ्रेंड। और ये मिलिट्री आप लोगों को पर डे देखने को मिलेगी, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी तब तक। और हमारे यहाँ शादी कैसे मनाई जाती है, किस तरीके से मनाई जाती है, वो भी आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाएंगी, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। अब आपको शादी की तैयारी, शादी कैसे होती है, सारा कुछ देखने को मिलेगा। बाय 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 कर, बाय इधर कर लो सभी लोग, बाय बाय।